सर जी, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है दिल्ली में। आप पधारे हैं, युवाओं की मांग को लेकर आप लोग पधारे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे युवा पीढ़ी को? हमारे बाबूजी बताएंगे, बाबूजी बताओ। हाँ, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि एक तो गुटखा वगैरह ठीक से खाया करें, क्योंकि जाफरी की डिमांड आजकल कम हो रही है, और दिल्ली के अंदर दिलवाग की, क्योंकि दिलवाग है तो दिल्ली है, अदरवाइज कुछ नहीं है। जी जी जी, हम ये चाहते हैं कि आराम से खाएं, बढ़िया तरीके से खाएं, और सबको बढ़ावा मिले। हाँ, जिससे डॉक्टरों का भी इनकम चले। देखो, एक बेरोजगार आदमी 1000 तरीके के रोजगार पैदा कर सकता है। वो दारू भी है, किडनी खराब होगी डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ पे कर्मचारी है, सबको सबको काम, सबका विकास, सबका साथ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यही बोलना है कि भाई, जो जितने भी जो हमारे मतलब है, तो किसी ना किसी रूप में सबको रोजगार मिलना चाहिए। तो बाबूजी का बोलना है कि अपन बीमार भी हो, ऐसे नहीं कि घर पे रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ मत रहो, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, तो और क्या है, स्कूल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो बाबूजी का यही बोलना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और दिल्ली में विशेष रूप से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आए, बहुत जल्दी बेरोजगारी हटाएंगे देश से। वो पीएम साहब से मीटिंग का क्या हुआ आप लोगों का? पीएम साहब से यहाँ पे मैं बोल रहा, बाबूजी की मैं बोलना चाहूँगा, आज की हम लोग जो न्यूज़ देख रहे थे उसका नाम है अग्नि वीरों को मिलेगा 10 लाख रुपया। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, उनको 10 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है? उनको फौज में भर्ती करो, उनके और हाथ में पिस्टल दो, और उनसे कहो देश आजाद कराइए, पाकिस्तान को घुसेड़िए कहीं पर। बिल्कुल सर। और हम लोगों को जितने भी, देखिए आज की डेट में 56 कंट्रियां मोमनंस हैं, हिंदू की एक कंट्री बता दीजिए आप, कोई भी नहीं है। क्या बात है, तो जरूरत कुछ भी नहीं है। आप इनके हाथ में एक गन दे दीजिए और सारी की सारी गोलियां दे दीजिए, जोन जितना मारेगा उतने पैसे ले लीजिए। ये बात ठीक है। नमस्कार। नमस्कार, हम धन्यवाद इसी लाइव के माध्यम से समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का।